अपनी बीवी को छोड़ता है और क्या होता है, वो लड़की को बार बार अबॉर्शन हो जाती है। अभी फिर वो लड़की प्रेग्नेंट है, 9 मंथ का वो उसका प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, लेकिन हस्बैंड उसको पैसे नहीं देता है, हस्बैंड उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। हमने पहले उसको नोटिस दिया, वो नहीं आया। हमने जरूरत महसूस की कि इसको बजरिया वारंट बनाया जाए। हमने SHO को हदायत की कि ये बंदा यहाँ भी है, इसको पकड़ के लाओ। जब बंदे को पकड़ के लाया, आज जरीना जी यहाँ बैठी हुई है, उस बंदे ने ये डॉक्टर के पास ले गया, दाखिल कराया, अब वो उसकी उसके पास बैठ रहा है। हालांकि वो हस्बैंड है, उसका खामद है, उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से भी कासर हो रहा था, वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा था। तो हमने उसको समझाया और उसको कहा कि तेरी जिम्मेवारी है, तो आज वो अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है। ऐसे आपके पास भी कई मसाइल आएंगे, जैसे घर में कोई ऐसा वायलेंस होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। आमतौर पर हमने देखा है औरतों के साथ ऐसी ऐसी बातें होती हैं घर की चार दीवारी के बीच में, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर सकती हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारी पैरा लीगल वारंट की जो है आप उसके साथ शेयर करें। जो बात आप उसके साथ शेयर करेंगे ये सीक्रेसी रहेगी। हमने DC साहब को बुलाया और हमने CO साहब को बुलाया, हमने उसको चेंज कराया और बच्चों के लिए 2 नए टीचर हमने वहाँ तैनात कराए। वो आज बच्चे जो है वो उधर से कहते हैं कि ये अब 20 साल से जो नहीं हुआ, हम लोग सियासी लोगों के पास जाते थे, वो भी हमको टाल बटोला करते थे, हम किसी और के पास जाते थे, उन्होंने हमारा कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ये है फायदा हमारे पास आपका आने का। जब भी आप हमारे पास कुछ चीज ऐसा हमारे नोटिस में लाएंगे, हम इमीडिएट एक्शन करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ जब आप आएंगे आपको मुफ्त में वकील मिलेगा, मुफ्त में पैरालीगल वॉलंटियर मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। और अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, हमारा पैरालीगल वॉलंटियर जो लड़कियां हैं ये हमारे पैसे के ऊपर आपको वहां ले जा सकती हैं। और जो वकील साहब आएंगे वो इसलिए आएंगे कि आपकी बात सुनेंगे, जो काम पैरालीगल वॉलंटियर नहीं करेगा वो हमारा वकील साहब करेगा। क्यों? वकील कानून दान है, कानून को जानने वाला है और कानून की आपको अच्छी सलाह देगा। जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो कोई इतनी कोई फुल फ्लेज पढ़ी हुई वकील नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्राइटेरिया बनाया था कि पैरालीगल वॉलंटियर उसको लगाएंगे जिसका मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होगा। और मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी बच्चे हमने लगाए हैं, जितने भी अलग अलग सेंटर हमने खोले हैं, हमने अभी थोड़े दिन पहले बूथ खरबू में हमने एक लीगल एड क्लिनिक खोला, ये दूसरा है। अभी हमने बटालिक में खोला हुआ है, एक हमने जंस्कार में जाके खोला है और चिकन में हमें खोला है। मैं सबको इनॉग्रेट करूंगा और बारी बारी वहां जाऊंगा, लेकिन जो रिस्पांस मुझे लोगों का मिल रहा है और जो रिस्पांस मेरे पैरालीगल वॉलंटियर्स का मिल रहा है, ये अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आज इनके पास कौन आया है, उसने क्या बात की है, हमने इन्होंने सलाह क्या दी है और सलाह के बाद उसका हुआ क्या है, ये फॉलो अप एक्शन भी करेंगे उसका। तो ये फायदा तभी आप उठा सकते हो जब आप इनके पास आओगे, जब इनकी मदद आप लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो है जस्टिस एट द डोरस्टेप ऑफ द नीडी पर्सन। जरूरतमंद के घर में हमने कानून पहुंचाना है।